नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 23 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए आप, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल डिस्कशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, जैसे गरिमा मिश्रा, ममता कुमारी, रश्मि मौर्य, मानसी चौहान, आकांक्षा पारधी, अशरफ जयान, सुनील कुमार, खाजन चौहान, दीक्षा मेहता, प्रीति सिंह, अफसानी, रोशन कुमार, कुणालकर सिंह, जानू सिंह, कुमुदिनी मोहपत्रा, सोनू कुमार, महेश चंद, सत्यनारायण, रविंद्र कुमार टेरके, अभिषेक मार्शल, सविता राठौड़, फोर क्रिएटिव स्टूडियो स्टडीज, गुनेंद्र साहू, श्रीन अंसारी, अभिषेक मार्शल, सविता राठौड़ और चंदेश्वर परी। तो ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने कल जो डिस्कशन में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर दिया था। अब ये देखिए आप, 2021 के जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों अपलोड हो गए हैं और दोनों वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मिया आमोर मोटली किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? बताइए इनको, मतलब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बारबाडोस, सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले दूसरे ऑप्शनों की। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है ये है डेनिश क्रोन। तो ये आप याद रखेगा। देखो करेंसी भी एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। पेरू की बात करते हैं, पेरू की कैपिटल है लीमा, पेरू की करेंसी क्या है? सोल। पेरू है कहाँ पर? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। कतर की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कतर की कैपिटल है दोहा, और इसकी करेंसी की बात करें तो कतरी रियाल, ये इसकी करेंसी है। तो ये आप याद रखेगा। अब बात हुई है यहाँ पे बारबाडोस की, तो पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। ये है बारबाडोस, ये देख रहे हैं, ये है कैरिबियन सी, और इसकी ये कैपिटल है ब्रिज टाउन, ये इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? बारबाडोस डॉलर। डॉलर आप याद रखेगा कि डॉलर इसकी जो है ये करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा की बात करते हैं। पानी बचाओ योजना गोवा की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। आसाम की सरकार ने अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये हम कवर कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन की शुरुआत की गई। कलिच फीसेंट को जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर है। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। श्रीनगर शहर आप याद रखेगा। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन युद्ध नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथोन कार्यक्रम
पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ये है लोकेशन जम्मू कश्मीर की, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इनके साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी दो कैपिटल है, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे। डाची गम नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ की हाईकोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कॉमन हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसका उद्देश्य क्या है? देखो, अहमदाबाद का जो सुंदरवन मिनी जू है ना, उसने इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है जो एनिमल्स हैं उनको एक प्रकार से कंजर्व करना, ठीक है। मतलब उनके लिए जो भी एडॉप्ट करता है किसी एनिमल को तो उसकी फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंस है वो उसके द्वारा ही दी जाएगी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है यहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात से आप दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, यहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। और तीसरा, गुजरात में जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखेगा। अब गुजरात की लोकेशन देखिए, ये है लोकेशन और ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो विनोद राय, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, दुर्गा शंकर मिश्रा, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। आमिर सोभानी, बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। दिलीप संघवानी, इनको इफ्को का अभी नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो सी ऑप्शन विनोद राय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाबर आजम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ए ऑप्शन सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2021 में किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैचू ऑफ इक्विटी के रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीन साल के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रेणु भाटिया को। सेवंथ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, रेणु भाटिया। कैप्टन विक्रम बत्रा की एक प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पालमपुर मिलिट्री स्टेशन में, और ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो एट्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? तो ये मनाया 21 जनवरी को। यानी नाइन्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 21 जनवरी। ILO रिपोर्ट 2022 वैश्विक बेरोजगारी का स्तर कितना होने का अनुमान है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो ये हो जाएगा 207 मिलियन। यानी टेंथ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 207 मिलियन। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारत और कौन सा देश हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए हैं? डेनमार्क सही आंसर है। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। नूसंतरा किस देश की नई राजधानी बनेगी? इंडोनेशिया सही आंसर है। जनवरी 2022 में एयर इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? विक्रम देवव्रत। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसको ICC T20I वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना। एक सेकेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल। अब ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आठवीं शासी निकाय की बैठक भारत और किस देश के बीच 18 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी? किस राज्य सरकार ने मास्क की है जिंदगी अभियान शुरू किया? 21 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? मतलब किस राज्य ने, किस देश ने एरो 3 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया?
किस राज्य के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने गिर वन और अन्य अभ्यारण्यों के संरक्षित क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो को मंजूरी दे दी है। जेनेसिस पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।